हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी थी, क्योंकि हमने ओवरलैपिंग के बेसिस पे उनको समझा। तब हमने देखा कि ओवरलैपिंग के बेसिस पे अलग अलग बॉन्ड लेंथ आ रही थी मेथेन मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन उसकी बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ सब इक्वल थी और रेगुलर टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री आ रही थी, जबकि ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं मिल रहा था, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन उसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। नेक्स्ट देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमने हाइब्रिडाइजेशन इसकी डेफिनेशन लिखी, अब इसकी बता रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेफिनेशन में क्या लिखा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, उन जो आपस में इंटरमिक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं तो इंटरमिक्सिंग के दौरान उन सबकी एनर्जी इक्वल हो जाती है, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल देते हैं और फिनोमिना का नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी बातों का आपको ध्यान में रखना है, देखिएगा। तो हेडिंग लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। पहला पॉइंट तो ये बताने, जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे फॉर्म्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल भी उतने ही होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। फिर मैं ये बता देता हूँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कंपेरिजन में ज़्यादा डायरेक्शनल होते हैं, तो इससे फॉर्म्ड बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उससे फॉर्म्ड बॉन्ड की कंपेरिजन में ज़्यादा होती है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में किसी भी टाइप का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसी भी उसकी शेप हो, इस बात पे हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड नहीं करता। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन इज द फिनोमिना ऑफ ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स की फिनोमिना है, नॉट द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में सभी टाइप के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो वेकेंट भी हो सकता है, फुल फिल्ड भी हो सकता है और हाफ फिल्ड भी हो सकता है। तो लिखेंगे एक एक पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल उनका फॉर्मेशन हो, क्लियर हो गए। सेकंड आपको ये बताया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इट मींस ए बॉन्ड फॉर्म बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल शुड बी मोर स्ट्रॉन्ग देन ए बॉन्ड फॉर्म बाय प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या हुआ, हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनसे फॉर्म बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी, जिसको ओवरलैपिंग में भी मैंने आपको बताया था। लिखेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल एज कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या मोर डायरेक्शनल देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या हुआ, ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल शुड बी मोर स्ट्रॉन्गर Should be more stronger
देन ए बॉन्ड फॉर्म बाई देन ए बॉन्ड फॉर्म बाई प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स. बॉन्ड फॉर्म बाय प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल. एक प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है उससे फॉर्म बॉन्ड की कंपैरिजन में हाइब्रिड ऑर्बिटल से फॉर्म बॉन्ड है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है. और इन शेप ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन में भी सेम और में भी डिफर. जैसे एस होता वो तो स्फेरिकल होता, पी होता डबल शेप होता, किसी भी शेप का हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. शेप ऑफ shape of participating orbital, shape of participating orbitals in hybridization may be same or may be differ. शेप ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स, पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल है उनकी शेप सेम भी हो सकती है और डिफर भी हो सकती है. और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है हाइब्रिडाइजेशन इज ए फिनोमिना ऑफ ऑर्बिटल्स नॉट इलेक्ट्रॉन. दैट्स वाई इन हाइब्रिडाइजेशन एनी काइंड ऑफ ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट. इट मे बी फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड और वैकेंट. लिख देता हूँ मैं. फोर्थ पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन इज द फिनोमिना ऑफ ऑर्बिटल. हाइब्रिडाइजेशन इज ए फिनोमिना ऑफ ऑर्बिटल, फिनोमिना ऑफ ऑर्बिटल्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स. हेंस इन हाइब्रिडाइजेशन In hybridization, any kind of orbitals can participate. Any kind of orbitals can participate. Maybe half filled, comma full filled, or vacant orbital. तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन ही ऑर्बिटल्स की फिनोमिना होती है, इलेक्ट्रॉन की फिनोमिना नहीं है. इसलिए इसके अंदर किसी भी टाइप का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है. क्लियर होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा. और ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन है उसको हम कैटेगराइज करेंगे कि किस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं. नोट कर लीजिए इसको. लिख लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए, मिटा दें. लिखिएगा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स, या टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल भी लिख सकते हो. किसके बेसिस पे बता रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स. लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स है उसके बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन उसके टाइप्स बता रहा हूं. पहला बता रहा हूं मैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन. एसपी हाइब्रिडाइजेशन एसपी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक एस ऑर्बिटल होगा, दूसरा पी ऑर्बिटल होगा, ऐसे.
वो बेटा यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि हाफ फिल्ड होना चाहिए, फुल फिल्ड वैकेंट कैसा भी हो सकता है, क्योंकि ये फिनोमिना ही किसकी होती है, ऑर्बिटल्स की। ये और एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल है, शेप कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एस ऑर्बिटल है, एक क्या हो पी ऑर्बिटल, वन पी ऑर्बिटल। इसका मतलब ये क्या, जैसे वन एस सेल नंबर होता है ना, वो सेल नंबर नहीं, एक ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ मैं। ये एस ऑर्बिटल और ये है पी ऑर्बिटल, ये लिख देता हूँ। ठीक, ये आपस में जब इंटरमिक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ये ऑर्बिटल है एक ये ऑर्बिटल है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, टू, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उनकी शेप सेम होगी, ऐसे बनेंगे टू, ये ऐसे इस टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये एस पी बन गया, ये एस पी बन गया, एक एस और एक पी, तो क्या होगा टू एस पी, टू एस पी ऑर्बिटल बन गए। और बेटा हाइब्रिडाइजेशन में पहले ऑर्बिटल्स होते हैं, वो अपनी ज्योमेट्री को फिक्स करते हैं, उसके बाद में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। फिर से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विल बी डिटरमाइंड, पहले मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री डिटरमाइन होगी, देन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। लिखेंगे इन हाइब्रिडाइजेशन, बाई हाइब्रिडाइजेशन ऐसे लिख देता हूँ, बाई हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड, मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री डिटरमाइन होगी, पहले ज्योमेट्री बनेगी, देन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। देन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विल डिटरमाइन, देन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो पहले ज्योमेट्री डिटरमाइन करेगा, एक एस और एक पी है, इससे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, टू एस पी बन गया। अब ये पहले ज्योमेट्री बनाएंगे, और बेटा एस पी के अंदर जो ज्योमेट्री होती है ना, इस टाइप की ज्योमेट्री होती है, ऐसे अरेंज होते हैं, इस टाइप से अरेंज होते हैं, ये लीनियर ज्योमेट्री होती है जिसमें एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री। तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन से जो आपकी ज्योमेट्री आ रही है, ज्योमेट्री होगी वो कौन सी होगी, लीनियर, और एक बॉन्ड एंगल होगा, और वो बॉन्ड एंगल आपको कितने का मिलेगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो फिर से बताने, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, या फिर दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें, एक एस और एक पी, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए एस पी। ठीक है, और एस पी हाइब्रिडाइजेशन होता है, वहां पर ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री। फिर से बोल रहे, पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, देन आफ्टर ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। नोट कर लीजिए इसको, पहला एस पी बताए, ये अब एक बार बता दिया मैंने, बार बार नहीं लिखूंगा, कि पहले ज्योमेट्री बनती है उसके बाद में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, मिटा दें, ये था एस पी हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, फिर अपन बात करें एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड वन है एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन, कैसे कैलकुलेट करने है? इसको भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, कि उसका किस टाइप से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होती है, शेप क्या होती है इसकी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इट मींस पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल कितना है, 1s और 2p, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3, एक s होगा 3p होगा, तो 3 बनेंगे, और उसको नाम क्या दोगे, sp2, शेप इनकी सेम होगी, इस टाइप से तीन बनेंगे, और फिर ये तीन ऐसे नहीं रहेंगे, ये एक रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर अरेंज होंगे, और यहां पर जो रेगुलर ज्योमेट्री होती है वो इसकी इस टाइप की ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, इस टाइप की एक ज्योमेट्री बनेगी, जहां पे बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 120 डिग्री, यानी इस टाइप की एक ज्योमेट्री बनती है, और यहां पर बॉन्ड एंगल कितने का बनेगा, 120। और 120 की बॉन्ड एंगल की बात करें तो कितने बॉन्ड एंगल हो गए, एक तो ये हो गया, एक इधर वाला हो जाएगा, एक इधर वाला हो गया,
तो ये होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। इसके अंदर आप देखेंगे बॉन्ड एंगल, और बेटा आपको बॉन्ड एंगल मिलेगा यहां पर 120 डिग्री, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने होंगे 3, 120 के बॉन्ड एंगल कितने मिलेंगे 3, नोट कीजिए। तो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, मिटा दे, देखिएगा आगे। sp3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थर्ड नंबर का 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो वहां पर बेटा sp3 भी हो सकता है। मैं इसको कैटेगराइज करके लिखता हूं, वहां पर d3s भी हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन 4 एटॉमिक ऑर्बिटल के केस में, d3 हाइब्रिडाइजेशन भी पॉसिबल होता है। और वहां पे आप देखेंगे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल कितने 4, देखो 1s हो गए 3p 4 हो गए, 3d और 1s ये भी 4 हो गए, 1d 1s 2 और 2p कितने हो गए 4, ये हाइब्रिडाइजेशन है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल कितने 4, ये कैलकुलेट करना सिखाएंगे आपको, दिखाई दे रहा क्या इधर वाला, ठीक है। अब देखिएगा, अगर वहां पर आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो sp3, तो यहां पर इसकी ज्योमेट्री होगी 1s और 3p, वो अपने आप को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज कर लेते हैं इस टाइप से, जैसे हमने पढ़ा था मेथेन में, ऐसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज कर लेंगे इस टाइप से, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज करेंगे, और यहां पे बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। यहां पे इंपॉर्टेंट होता है नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, मैं फिर से इधर बना के बता रहा हूं, इस टाइप का होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इस टाइप से एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज करेगा 109 डिग्री 28 मिनट टेट्राहेड्रल, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने होंगे दिखाई, देखने पे आपको कितने दिखाई दे रहे हैं 4, लेकिन 4 नहीं होते, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल होते हैं 6। किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं मैं बता रहा हूं, देखिएगा, मैं इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करता हूं, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। 6 बॉन्ड एंगल कैसे आए बेटा, यहां पर 4 बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, इक्वल एंगल पे प्रेजेंट होते हैं, सबके बीच में एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। मैंने तो 2 कैप वाले पेन ले लिए, 2 ओपन कैप पेन है मेरे पास में, और इससे मैंने ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना दी। इस वाले रेड वाले पेन का जो ओपन कैप है, इसके साथ में भी 109 डिग्री 28 मिनट एंगल है, यहां पे भी उतना ही, यहां पे भी इतना है। ऐसे इसका देखोगे तो इसका भी तीनों के साथ में सेम है, इसका देखोगे इसका भी तीनों के साथ में सेम है, इसका देखोगे तो इसका भी तीनों के साथ में सेम है, और वो एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। अब काउंट करना सिखाते हैं, देखिएगा, ओपन कैप कैप एक एंगल, अल्टरनेट गिन रहा हूं ध्यान दीजिएगा, ओपन कैप कैप 1, कैप ओपन कैप 2, ओपन कैप कैप 3, कैप ओपन कैप 4, बोथ ओपन कैप 5, बोथ कैप 6। पहले तो मैं कैप ओपन कैप का गिना, फिर दोनों ओपन कैप वालों का, फिर कैप वाला, किसी को भी देखो वो एक दूसरे के साथ में 109 डिग्री 28 मिनट पे प्रेजेंट है। फिर से काउंट करवा रहे, ओपन कैप कैप 1, कैप ओपन कैप 2, ओपन कैप कैप 3, कैप ओपन कैप 4, बोथ ओपन कैप 5, बोथ कैप 6, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितने हो गए 6, तो यहां पर पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल क्या होगा 1s होगा, और यहां पर 3p होंगे, और इससे क्या बन जाएगा आपका sp3, 4 ऑर्बिटल बन गए ना, 1s और 3p। हाइब्रिड को ऐसे पावर टाइप लगा के दिखा देते हैं, d3s हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे तो यहां पर 3 तो d ऑर्बिटल होंगे और 1s ऑर्बिटल होगा, तो 4 बनेंगे, 4 कौन से हो गए d3s। यहां पर भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होती है, बस यहां पर तो s पार्टिसिपेट करते हैं वहां पर d, और इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये भी ज्योमेट्री कितनी होगी, कौन सी होगी टेट्राहेड्रल, ये भी आपकी ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होगी, 109 डिग्री 28 मिनट, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, एंगल कितना है 6, वही है सेम। इसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ये डी ब्लॉक के होते हैं, MnO4 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव,
या CrO4 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव, डी ब्लॉक वाले उसके अंदर होगा, ये ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेम होती है ज्योमेट्री। फिर DSP3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, वहां पर पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल है, 1D ऑर्बिटल, 1S ऑर्बिटल और 2P ऑर्बिटल, टोटल कितने हो गए 4, और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा DSP2। और यहां पर बेटा जो ज्योमेट्री पार्टिसिपेटिंग डी ऑर्बिटल है, डी आ जाए ना बेटा, वहां पर पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल देखना होगा अपने को उसके अंदर। यहां पर पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल है डी के केस में, इस वाला ये पार्टिसिपेटिंग डी ऑर्बिटल, ये वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर कि DSP2 होता है वहां पर पार्टिसिपेटिंग डी ऑर्बिटल कौन सा है, तो ये होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स और वाई वाली प्लेनर एक्सिस मानते हैं, जेड परपेंडिकुलर। पार्टिसिपेटिंग डी ऑर्बिटल DSP3 में क्या होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां पर कौन सा होता है डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और इसके अंदर ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर, ये होती है। यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखोगे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो स्क्वायर प्लेनर में 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हो गए 4। 180 की बात करें, एक तो ये हो गया 90 कितना होगा 180, दूसरा ये हो गया, तो 180 के कितने हो गए 2। इंपॉर्टेंट क्या है DSP2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेटिंग डी ऑर्बिटल, विच वन, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नोट कर लीजिएगा इसको, बाकी करवाते आगे। नोट कीजिए इसको, लिख लिया, मिटा दें। तो ध्यान रखना चार हाइब्रिड ऑर्बिटल वहां पर, sp3 में टेट्राहेड्रल, d3s में भी टेट्राहेड्रल, dsp2 में स्क्वायर प्लेनर, एक ही डी ऑर्बिटल है, पार्टिसिपेटिंग डी कौन सा होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी एक्स वाई प्लेनर एक्सिस होता है, एक्स और वाई पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कौन सा आएगा स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखिएगा, आपके पास में 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, नेक्स्ट नंबर जो भी बेटा लगा लेना, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, या फिर आपके पास में क्या हो सकता है dsp3 भी हो सकता है। ठीक है, चलो मैं sp3d से बता रहा हूं आपको। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तब वहां पर पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल होता है डी, यहां पर जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर होता है, पार्टिसिपेटिंग, चलो मैं अलग से लिखूंगा, इफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल क्या है डी कौन सा होगा डी जेड स्क्वायर। और बेटा मैं आपको ये बता देता हूं, हम यहां पर जो पढ़ रहे हैं वो कोवलेंट बॉन्ड की रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, नॉन मेटल के लिए पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और नॉन मेटल में यहां पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर ही होता है, वहां पर डी ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी हो सकता है अगर कहा जाए, तब ऐसा मानना है। मैं एक बार इसकी ज्योमेट्री बता देता हूं, फिर आगे को हम डिस्कस करेंगे। देखिए sp3d, तो यहां पर डी जेड स्क्वायर पार्टिसिपेटिंग होगा, यही मानना आपको नॉन मेटल का जो इसे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने, कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा अलग है, कोऑर्डिनेशन के लेक्चर डाउनलोड हो चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, अगर आप वहां से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। तो देखो यहां पर इसकी यहां पे ज्योमेट्री एक एस हो गया, 3p हो गए और 1d, और d वाला पार्टिसिपेटिंग कौन सा डी जेड स्क्वायर, टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 5, तो क्या हो गया sp3d 5 हो गए ना, 1s 3p 1d। और यहां पर जो ज्योमेट्री होती है इसकी वो होती है TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये ज्योमेट्री होती है। यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, सब कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यहां पे ये ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री TBP,
शॉर्ट में टीपीपी लिखा रहता है। यहां पर बेटा ट्राइगोनल प्लेनर, चलो मैं अलग पेन से बना देता हूं इसको ताकि आपको समझने में इजी रहे। ट्राइगोनल प्लेनर ब्लू से बना रहा हूं, और ये बाइपिरामिडल ये रेड से बनाया, ये फाइव ऑर्बिटल। ट्राइगोनल प्लेनर है, यहां पे बॉन्ड एंगल होगा ये वाला, तो ट्राइगोनल प्लेनर का 120 होता है, परपेंडिकुलर और प्लेन के साथ में 90 डिग्री का होगा ये वाला एंगल, इसके साथ 90 डिग्री, बाकी भी होंगे उनको पढ़ेंगे अभी। अब यहां पे मैं आपको ये बता रहा हूं, यहां पे दो टाइप के बॉन्ड है, एक तो ट्राइगोनल प्लेनर में इसका नाम होता है इक्विटोरियल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होगा, इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड। और ये वाले बॉन्ड होते हैं इसको नाम देते हैं एक्सियल बॉन्ड, ये होते हैं एक्सियल बॉन्ड। और बेटा आपको मैं ये बता देता हूं कि इक्विटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड में इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं शॉर्टर होते हैं, छोटे होते हैं शॉर्टर बॉन्ड, एंड एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर बॉन्ड, ये होते हैं लॉन्गर बॉन्ड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोला गया था, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, डिफरेंट शेप भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी भी होते हैं, लेकिन फॉर्म्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां पर बॉन्ड बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इक्वल मिलती है। लेकिन ये तो लॉन्गर बॉन्ड है, ये शॉर्टर बॉन्ड है। फिर से ध्यान दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन में ये बोला गया था जो भी पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स हैं जब वो इक्वल एनर्जी बना लेते हैं तो वहां पर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इक्वल मिलती है, लेकिन यहां पर तो बॉन्ड लेंथ अलग मिल रही है, इसकी बॉन्ड एनर्जी भी अलग मिल रही है, तो ये भी कह सकते हो हाइब्रिडाइजेशन का एक टाइप से एक्सेप्शन भी है, जिसको बेंट रूल से एक्सप्लेन किया गया था, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो एंगल की बात करें, 120 डिग्री है, इसके कितने एंगल है, तो 1 2 ट्राइगोनल प्लेनर में होते कितना होगा 3। 90 डिग्री का एंगल की बात करें, 90 के कितने हैं, प्लेन और परपेंडिकुलर में कितने का एंगल होता है 90 का, ये बेटा रेड वाला परपेंडिकुलर है, ये तो प्लेन के अंदर मानना, ब्लू वाला प्लेन में है, देखो ब्लू के 3 बॉन्ड है ना, ये परपेंडिकुलर अपर साइड में, तो इन दोनों में 90 डिग्री, इसमें भी 90, इसमें भी 90, ऐसे ही नीचे की तरफ परपेंडिकुलर होगा इन तीनों के साथ में, प्लेन और परपेंडिकुलर में बॉन्ड कितना होता है 90, तो ये रेड वाला परपेंडिकुलर है ब्लू के साथ में, तो 3 तो ये हो गए, और 3 बॉन्ड नीचे की साइड में बन जाएंगे, तो टोटल 90 के कितने हो गए 6। फिर बात करें 180 डिग्री, ये एक्सियल बॉन्ड है ऐसे तो एक ही लाइन में, तो 180 का कितना हो गया 1, नोट कीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कल्याण नोट, चलो इसको मिटा देते हैं। एक बात और यहां पे बताते हैं आपको, अगर पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल आपसे बोल दिया जाए पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल जेड स्क्वायर नहीं है, डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तब क्या होगा, देखो डी जेड स्क्वायर होगा तब तो क्या होगा टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये तो समझ गए ना, जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। देखो इफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन ज्योमेट्री बतानी है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आते ही क्या होगे, स्क्वायर प्लेनर तो आएगा, 4 बॉन्ड तो ऐसे होंगे ऐसे, और एक बॉन्ड ऐसे परपेंडिकुलर, और इसका नाम होता है स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, ठीक है। तो आपसे ये बोल दिया जाए कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में इफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन तो देन ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, ठीक है। बॉन्ड एंगल स्क्वायर प्लेनर में कितना होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर भी इसके साथ कितना बनाता है 90, काउंट कर लो। अब देखो एक तो दे रखा है sp3d और दूसरा मान लो आपको लिख दिया dsp3, तो अब दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पर तो डी बाहर की तरफ लिखा हुआ है, यहां पर डी पहले लिखा हुआ है, बाहर की तरफ लिखा हुआ, इसका मतलब इन सब का ऑर्बिटल सेम है, अगर ये 4
सेल का है तो पी भी फोर का होगा, डी भी फोर का होगा, इसका मतलब ये फोर ये फोर ये फोर, ठीक है, सेम सेल का होगा। और सेल नंबर को भी बोल देते हैं क्वांटम नंबर, तो ये लिख सकते हो सेम क्वांटम नंबर इस कंडीशन में, सेम क्वांटम नंबर, इसकी क्वांटम नंबर सेम होगी, यानी सेल नंबर सेम होगा। अगर डी पहले लिखा हो इसका मतलब ये एक सेल पहले वाले का है, एन माइनस वन डी होगा, फिर एन एस होगा और थ्री होगी वो एन, क्योंकि एन वैलेंस सेल और एन माइनस वन एलेंटीमेट सेल, तो डी पहले लिखा हो इसका मतलब इनर सेल का है, ठीक है। इट मीन्स जैसे ये थ्री डी है तो ये वाला क्या होगा फोर एस, और ये वाले क्या होंगे फोर पी के होंगे, तो सेल नंबर क्या होगा इसका डिफर, और ये सेल नंबर डिफर है इसी को बोल देते हैं डिफर क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफर, सेम क्वांटम नंबर वो, और अकेला क्वांटम नंबर लिखा है इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यहां पर लिख सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफर, बस ये ध्यान में रखना, कहीं पर भी हो कहीं पर भी ऐसा लिखा है डी पहले लिखा है इसका मतलब इनर सेल का है, और बाद में लिखा है इसका मतलब सेम सेल का, बाद में लिखा सेम सेल इसका मतलब क्वांटम नंबर सेम है, और पहले लिखा इसका मतलब क्वांटम नंबर है वो डिफर, नोट कर लीजिए, रिमेनिंग सेम है सारी बातें सेम। डीजेड स्क्वायर पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या होगा टीबीपी, और आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या कौन सा हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, मिटा दे, देखिए आगे फिर देखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में नेक्स्ट जो भी है sp3d2 या फिर d2sp3, क्या डिफरेंस है दोनों में, बाद में डी इसका मतलब सेम सेल, पहले लिखा उसका मतलब इनर सेल, यहां पर प्रिंसिपल कॉन्ट्रोल नंबर सेम होगा, यहां पर सेल नंबर डिफर है उसी के बेसिस से बोल सकते हो डिफर कॉन्ट्रोल नंबर, यहां पर एक एस होगा थ्री पी होंगी और दो डी होंगी, और इन केस में पार्टिसिपेटिंग डी ऑर्बिटल इसकी बात कर रहा हूं मैं, पार्टिसिपेटिंग डी ऑर्बिटल, पार्टिसिपेटिंग डी ऑर्बिटल है, दो डी हैं और वो कौन कौन से होते हैं एक्सियल वाले होते हैं यानी इजी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये वाले पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और यहां पे ज्योमेट्री होती है वो ये ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर, यहां पर चार बॉन्ड बनेंगे दो परपेंडिकुलर, इसका नाम होगा स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, या फिर दूसरा नाम होता है ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल भी बोल देते हैं, ठीक है। बॉन्ड एंगल की बात कीजिए, देखो कितना होगा स्क्वायर प्लेनर में, कितना होता है 90 डिग्री है ना, देखो 90 डिग्री की बात करें तो चार तो कौन से हो गए फोर बॉन्ड, तो स्क्वायर प्लेनर में हो गए ये फोर हो गए, प्लस बेटा ये दोनों परपेंडिकुलर, ये इस चार के परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये चार बॉन्ड प्लेन में है, प्लेन और परपेंडिकुलर में एंगल 90 डिग्री का है, तो ये वाला बॉन्ड इन चार के साथ में 90 पे है, ऐसे नीचे वाला भी इसके साथ में 90 पे है, तो फोर ऊपर की साइड से बनेंगे फोर नीचे, कितने हो गए टोटल 12। 180 के एंगल देखोगे कितने हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, कितने हो गए 3। यहां पर एंगल इक्वल होता बेटा ये जरूरी नहीं स्क्वायर प्लेनर, ये मानो आप इधर वाले को भी स्क्वायर प्लेनर मान सकते हो, आप इसको भी स्क्वायर प्लेनर मान सकते हो, ऐसे देखें देखो ऐसे, ये वाले भी आप स्क्वायर प्लेनर में ले सकते हो क्योंकि बॉन्ड एंगल इक्वल होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये वाला स्क्वायर प्लेनर, किसी को भी मान सकते हो, क्योंकि असल में कई बार लैंग्वेज चेंज करके या थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज कर देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सिक्स बॉन्ड है इक्वल एंगल पे प्रेजेंट है, किसी को भी चार को मिलाकर स्क्वायर प्लेनर बना सकते हो, ठीक है, नोट कर लीजिए।